शिल्प एवं माटी कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पित शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 250 दस्तकारों को किया सम्मानित। जयपुर 15 अक्टूबर। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष श्री डूंगर राम गैदर ने कहा कि बोर्ड का गठन कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिल्पकारों को उनकी पहचान दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री गैदर शनिवार को जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित शिल्प माटी 2022 राज्य स्तरीय दस्तकार कार्यालय को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के दौरान 250 दस्तकारों का मौके पर पंजीकरण कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि राज्य भर के आर्टिजन्स का कार्ड बनवाने का जिला स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर से शिल्पकारों को उपयुक्त मिट्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर के दस्तकारों को उन्नत औजार उपलब्ध कराने और उन्हें उचित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। श्री गैदर ने कहा कि राज्य सरकार मिट्टी कला के प्रोत्साहन और उत्थान के लिए मिट्टी के उत्पादों को कमर्शियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। इससे ना उन्हें आर्थिक रूप से फायदा होगा बल्कि उत्पादों की बिक्री में आसानी होगी। उन्होंने आमजन से दीपावली के मौके पर स्थानीय स्तर पर दीपक खरीदने और दीप दान करने को भी अपील की। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ब्रज किशोर शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कलाकारों के उत्थान के लिए कई नवाचार कर रही है। शिल्पकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी आर्टिजन्स तक पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के सलाहकार श्री सुरेंद्र कुमार प्रजापत, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के सलाहकार श्री अनिल गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में बोर्ड के सदस्य श्री संपत राज कुमावत, श्री रामकरण कुमावत, श्री कैलाश कुमावत, श्री रघुनाथ कुमार, श्री इंद्र राम प्रजापत सहित भारी संख्या में दस्तकार और कलाकार उपस्थित रहे।